देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं उन्नीत दुबे और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, सांसद प्रतिनिधि मनोनयन पर भाजपाइयों ने किया स्वागत समारोह। खटीमा विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक तिवारी को नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट द्वारा खटीमा नगर में अपना सांसद प्रतिनिधि मनोनीत करने पर आज खटीमा मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपक तिवारी का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी के जिला महामंत्री हिमांशु बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनोनीत सांसद प्रतिनिधि दीपक तिवारी का माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। वहीं मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हिमांशु बिष्ट ने कहा कि खटीमा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता नैनीताल के सांसद अजय भट्ट का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व कर्मण नेता दीपक तिवारी को अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। का विषय है कि खटीमा के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक तिवारी जी, जो कि विद्यार्थी जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 बार लगातार नगर अध्यक्ष भी रहे, हमारे संघ विचारधारा के हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है उसको खड़ा करने में इनका अमूल्य जो है सहयोग मिला। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और पूर्व में जो है मंडल के महामंत्री भी रहे। आज नगर पालिका में चूंकि जो है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं है, काफी अव्यवस्थाएं वहां पे होती हैं, तो उस सभी को लेते हुए विकास कार्य नगर में लगातार चलते रहे, तो इसके लिए हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी ने अपने सांसद प्रतिनिधि के रूप में श्री दीपक तिवारी जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी विकास के कार्य रह गए हैं उनके स्तर पे वो पूरे के पूरे विकास कार्य जो है आम जनता तक जो है पहुंचने चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।